दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर दोनों में डिफरेंट है। पहला, स्विमर विशेष टू क्रॉस द रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन मिनिमम टाइम, मैंने अंडरलाइन भी किया है, कुछ स्पेशल है, वो कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना चाहता है। लेकिन अगला ही क्वेश्चन सेम है, ये रहा, अ स्विमर फिर से विश करता है कि मैं रिवर को क्रॉस करूं लेकिन विद शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर क्या होगा, हर हालत में उसको यहां से यहीं लैंड करना पड़ेगा क्योंकि और रिवर को क्रॉस करने का और इससे छोटा रास्ता नहीं है, और अगर यहां लैंड करवाना है तो उसको रिवर के फ्लो के ऑपोजिट ही जंप करना पड़ेगा, ऐसा बनेगा अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लेकिन मिनिमम टाइम में, जरूरी नहीं कि यहां से यहां मिनिमम टाइम में पहुंचे, मिनिमम टाइम में बस वो जंप करेगा, अपने आप ही रिवर का फ्लो उसे हेल्प करेगा, राइट जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, और वो नेचुरल फ्लो के साथ यहां पर लैंड करेगा, करने दो, डिस्टेंस चाहे ज्यादा कवर करे पर समय इस केस में कम ही लगेगा। तो इसको करने के लिए कई लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे समय कम लगेगा, इसमें कैसे पता लगा, मैं आपको ना एग्जांपल और मैथमेटिक एक्सप्लेन करूंगा कि अगर क्वेश्चन में मिनिमम टाइम आ जाए, मिनिमम टाइम, तो आप इस मैन को, स्विमर को, बिल्कुल सीधा ही जंप करवाना, किसी एंगल पे जंप मत करवाना। कोई कहेगा ऐसा क्यों, चलो मान लिया आपकी बात मान लेते हैं कि एंगल पे जंप कर जाता है वो, चलो करने दो, एंगल पे जंप कर गया राइट, तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, या ये थीटा मान लो, थीटा एंगल पे जंप कर गया तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा अब वो वी कॉस थीटा हो जाएगा जो इसको स्विम करवाएगा, तो कितने समय में वो स्विमर जो है क्रॉस करेगा रिवर, डी को वी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मुझे मैक्सिमम चाहिए, वी एस तो मैं चेंज कर नहीं, स्विमर की स्पीड तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। हाँ, मैं एंगल तो चेंज कर सकता हूँ, एंगल मेरी मर्जी का, मैं ऐसे एंगल पे जंप करवाऊंगा कि टाइम मिनिमम हो, तो मैं एक ऐसा एंगल चूज करना चाहता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होती है मैथ्स में, वन वन होती है, और वन कब होती है, जो थीटा क्या है, 0। इसका मतलब पक्की बात है कि वो सीधे जंप करे, क्योंकि क्योंकि अगर वो किसी एंगल पे जंप करेगा तो उस केस में मैंने बताया कि ये टाइम कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्स होगी तो टाइम अपने आप मिनिमम हो जाएगा, तो थीटा ऑटोमेटिकली 0 करना पड़ेगा, तो किसी एंगल पे जंप मत करवाना। तो सीधा याद रखना, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं है तो आपको समझाने के लिए है, सीधा याद रखना मिनिमम टाइम में आपने स्विमर को सीधा ही जाने देना है, और क्वेश्चन है कि मिनिमम टाइम में निकालना क्या है, डायरेक्शन निकालनी है वो कहाँ जंप करे। हाँ, तो कहाँ जंप करे, प्रॉब्लम क्या है, सीधा जंप करे ना, तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या बनाए, 0। टू मिनिमाइज टाइम टू क्रॉस द रिवर स्विमर मस्ट स्विम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट, रिवर करंट के 90 डिग्री पे जंप करेगा तो सबसे कम समय में पहुंचेगा ऑपोजिट बैंक पे, राइट। यही इसका सोल्यूशन, फिक्स सोल्यूशन है, बस ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो मार्क कर देना। लेकिन अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्प्ले डिस्टेंस कवर करना है, अब हर हालत में मेरे को ए से बी पर पहुंचना ही पड़ेगा, और चलती नदी में अगर ऑपोजिट आपको पहुंचना है तो आप किसी एंगल पे जंप करेंगे तभी पहुंच पाएंगे, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे, ये भी क्लियर है। तो वो कह रहा है कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट 4 है और जो स्विमर है उसकी स्पीड 5 है, तो आपको ये बताना है, डायरेक्शन बताना है किस डायरेक्शन में स्विम करे, डायरेक्शन का मतलब एंगल थीटा बताना है, किस एंगल पर वो जंप करे ताकि वो कहाँ लैंड हो जाए, यहाँ लैंड हो जाए। अब यहाँ पे जंप, यहाँ पे लैंड करने के लिए उसने यहाँ जंप किया तो रिवर का फ्लो वी यू एफ ये रहा, ये वी एस है, वी नेट ये होना चाहिए, तो ये वी नेट आ गया। आपको इस क्वेश्चन के अंदर यू एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 4। आपको क्वेश्चन में वी एस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 5, तो क्यों ना यहाँ पर साइन थीटा लगा लें, साइन थीटा इज 4/5 ये रहा, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स 4/5, और साइन इनवर्स 4/5 जो फिजिक्स में होता है उसको 53 डिग्री पे होता है, तो एक तो आंसर ये हो सकता है कि वो वर्टिकल के राइट साइड पे 53 डिग्री पे जंप करे, एक तो ये हो सकता है। लेकिन नॉर्मली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो डायरेक्शन है वो रिवर फ्लो के साथ होती है, रिवर का फ्लो कहाँ है, राइट, ऐसे है, और वो कहाँ जंप कर रहा है, ऐसे, तो इस लाइन के साथ अगर रिवर का फ्लो ये रहा
ये रिवर का फ्लो है, अगर इसके साथ एंगल निकालना है इसका तो 90 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 53 और 90, 143 फ्रॉम द डायरेक्शन रिवर फ्लो इज द आंसर। फॉर्मूला रजिस्टर में ये नोट कर लें, ये बड़े स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये याद होने चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 4, 3 और 5 साइड्स में ट्रिपलेट बना हुआ है हमेशा की तरह, ये एंगल चेक कर लें 37, मैंने आपको कहा भी था कॉस और साइन 37 याद कर लें। तो सोचें अगर ये 90 है 37 तो तीसरा एंगल क्या बनेगा 53। तो इस पूरे ट्राइंगल्स के रेशियो आपको पता होनी चाहिए कि साइन 37 या कॉस 53 एक ही बात है जो कि 3/5 है। कॉस 37 साइन 53 4/5 है, टैन 37 कॉट 53 3/4 है, और टैन 53 कॉट 37 4/3 है। वैल्यूज को इस ट्राइंगल से याद करनी है तो 37 डिग्री और 53 डिग्री इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। तो ये फॉर्मूला जिस में नोट कर लो सारे ट्राइंगल बना के। किसी भी एक्स्ट्रा बुक में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ना एक क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, वो भी नोट करने आप कहीं नोट कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे के बनूंगा, पहले सुन लो। ये मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और मान लो आपकी वेलोसिटी 37 डिग्री पे है ईस्ट के साथ, तो आपको ऑप्शन देगा, बताओ वेलोसिटी की वैल्यू जैसे 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, आंसर कैसे बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ? तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सही, देखो ऐसा है, जिसके साथ एंगल बना होता है आपने वहां से स्टार्ट नहीं करना, आपने यहां से स्टार्ट करना है। आपने ठीक बोला, तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखेंगे। तो ये पढ़ना आना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। उसमें दोनों ऑप्शन होंगे, नॉर्थ ईस्ट भी होगा, ईस्ट नॉर्थ भी होगा। तो जहां से एंगल बना हुआ है 37 डिग्री ईस्ट, वो नहीं लिखना, नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना है।